तस्वीर और आवाज़ के दोस्तों, आपको मोहम्मद शफीक जानी का सलाम। मेरा ये सफ़र सम्राट वैली की तरफ है और मेरा ये इस सफ़र में साथ दे रहे हैं मेरा मलिक राशिद और साथ हैं उमर यार और इस्लामाबाद से हम ले गए हैं अनीस भाई। यहाँ से तकरीबन हमारा सफ़र इस्लामाबाद का 4 से 5 घंटे का है। सामान वगैरह हमने लोड कर लिया है और हम चलने लगे हैं, तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे जिस इलाके से गुजरेंगे दोस्तों को अपडेट देते रहेंगे और सारी अपडेट देंगे ताकि जो भी लोग कमराड वैली की सैर करना चाहें वो हमारी ये वीडियो देख के रहनुमाई हासिल करें। अस्सलामुअलैकुम तस्वीर और आवाज़ के दोस्तों, हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। अब हम हैं मोटरवे पे M4 पे और अब पिंडी बट्टियाँ टूल प्लाज़ा हम क्रॉस करेंगे और इसके बाद हम आ जाएंगे इस्लामाबाद मोटरवे पे। तकरीबन इस्लामाबाद मोटरवे पे हमारा टाइम लगेगा तकरीबन यहाँ से 3 से 4 घंटे लग सकते हैं क्योंकि मेरे पास मेहरान है और मैं कोशिश यही करता हूँ कि 100-110 इससे ज़्यादा स्पीड ना मारूं। तो इंशाल्लाह ताला रात 10-10:30 बजे के राउंड बोर्ड हम पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद से हमने अपने दोस्त जो मेरा हर ट्रिप में साथी होता है अनीस, उसको साथ लेना है और रात का डिनर उसी ने बना के लाना है और वहीं पे बैठ के हम डिनर करेंगे। और अब हम आ गए हैं दोस्तों इस्लामाबाद मोटरवे पे, तो इंशाल्लाह ताला हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे रात को 10-10:30 बजे के। तो जी दोस्तों, लो सामने हमारे इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा। टूल प्लाज़ा क्रॉस करते ही हमें उम्मीद है कि अनीस भाई हमें ज्वाइन कर लेंगे। उनसे बोला था कि मैं आप ऊपर मोटरवे पे आ जाना क्योंकि इधर ही से मैंने पेशावर मोटरवे पे हो जाना है, तो उम्मीद है कि वो आगे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। कॉल आई है उनकी कि मैं आ गया हूँ, आप लोग आ जाओ, तो हम मिलके फिर रात का खाना खाएंगे और उसके बाद फिर सफ़र का प्लान करेंगे कि आगे कैसे जाना है। जी तो दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं हकला इंटरचेंज पेशावर मोटरवे पे। अनीस भाई को हमने लिया है पिंडी से, ये इंटरचेंज पे आ गए थे इस्लामाबाद के टूल प्लाज़ा पे और ये वहां से चावल बनवा के लेके आए हैं। अब यहाँ खाते हैं, चाय वगैरह पियेंगे, इसके बाद फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे। ये देखें बैठे हैं, ये देखें जी इनके लिए बना के लेके हैं स्पेशल अपने चाचा जी के लिए। हाँ, सफ़र का पता चलेगा क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, तकरीबन 11 बजे का टाइम हो गया है। तकरीबन 6 बजे हम चले थे, 11 बजे का टाइम हो गया। अब देखते हैं कि आगे नींद आती है या सफ़र जारी है। दोस्तों खाना खाया है और चाय पी है, हम निकल आए हैं यहाँ से इस्लामाबाद से। तकरीबन कमराट वैली का जो सफ़र है ना वो तकरीबन 314 किलोमीटर का है फासला जो है, तो टर्नर क्रॉस कर रहा हूँ मैं। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, टर्नर में लाइटें हैं जो बहुत हसीन नज़ारा पेश कर रही हैं। मेरे साथ वाली सीट पर बैठे हैं अनीस भाई, इनकी यही ड्यूटी होती है कि इन्होंने मुझे जगाए रखना है और मेरी अपनी भी कोशिश होती है कि जागते ही रहें, क्योंकि अगर जागते रहूँगा तो सफ़र जो है ना वो अच्छे तरीके से कर पाऊँगा। अगर हल्की सी भी नींद आ गई तो गलती का गुंजाइश नहीं होती मोटरवे पे। तो पेशावर मोटरवे से होते हुए मैं आ जाऊँगा फिर इसके बाद सवात मोटरवे पे। ये मेरे सामने सवात मोटरवे का टूल प्लाज़ा है।
स्वात मोटरवे चलेगी मेरे साथ चक दर्रे तक। चक दर्रे से नीचे उतर जाएंगे, वहाँ जाके एक रास्ता चला जाएगा फिर वादी सवात को, और दूसरा चला जाएगा चतराल वैली की तरफ, तैमर गिरे की तरफ। चतराल वैली से पहले एक पॉइंट आता है, वहाँ से एक सड़क चली जाती है कमराट को, और दूसरी चली जाती है चतराल वाली साइड पे। तो मेरा सफ़र जारी है, तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं अब रात कितना सफ़र हम तय कर पाते हैं, और सुबह उठ के फिर नाश्ता करेंगे, आपसे गपशप भी लगाएंगे।